नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल और आज हम पढ़ेंगे 20 करंट अफेयर्स जो 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो इम्पोर्टेंट आई हैं करंट अफेयर्स उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। चलिए, अब की बार जो सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अब की बार जो दिवाली मनाई जाएगी उसका हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और सरकार ने भी एक निर्णय लिया है कि अब की बार जो दिवाली होगी वो हम उसको जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो दिवाली मनाई जाएगी। मतलब एक हरे जो मतलब एनवायरनमेंट को जो इफ़ेक्ट ना करे, जो पोल्यूशन ना फैलाएं, ऐसे पटाखे जो है वो दिवाली पे जो है यूज़ किए जाएंगे। तो अब की बार जो एक स्लोगन दिया है सरकार ने तो उसका नाम क्या है, उसका नाम दिया है आपको हरी दिवाली स्वस्थ दिवाली। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर बन जाती है कि अब की बार स्लोगन जो दिया है सरकार ने वो क्या दिया है दिवाली के लिए, हरी दिवाली स्वस्थ दिवाली। और किसने दिया है ये हर्षवर्धन जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, एनवायरनमेंटल मिनिस्टर जो है इसका नाम क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने ये जो है हरी दिवाली स्वस्थ दिवाली अब की बार स्लोगन दिया है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल न्यूज़ है, एक जो चाइना है पड़ोसी कंट्री जो हमारी, तो इन्होंने वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट समुद्र का जो पुल है वो ब्रिज है वो उसका जो है वो निर्माण किया है, वो उसको ओपन भी कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र का अगर हम पुल की बात करें, सी ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो वो किसने बनाया है, वो बनाया है चाइना ने। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। उसके बाद एक आ जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मिलिट्री एक्सरसाइज पे भी, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, ध्रुजबा, ध्रुजबा थर्ड। ये किस किस के बीच में है, ध्रुजबा थर्ड जो किसके बीच में हुई है, ये हुई है पाकिस्तान और रसिया के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो दोस्तों आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक नोट बना लीजिएगा, आपको फर्दर फ्यूचर में वो काम आ सके। ओके, उसके बाद है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बजरंग पुनिया वॉन सिल्वर इन रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन में जो है वर्ल्ड चैम्पियन चल रही थी रेसलिंग की, रेसलिंग की कुश्ती की जो है वर्ल्ड चैम्पियन चल रही थी, तो उस वर्ल्ड चैम्पियन में जो हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से थे बजरंग पुनिया, उन्होंने क्या जीता है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो अगर बात आ जाए सिल्वर मेडल किसने जीता है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है बजरंग पुनिया। और ये कहाँ से हैं, ये हरियाणा के झज्जर ज़िले से हैं, हरियाणा में जो है झज्जर ज़िला है वहाँ से बजरंग पुनिया बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है नरेंद्र मोदी ने अब की बार पीस प्राइज जो है उसे नवाजा गया है, नरेंद्र मोदी अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन सा पीस प्राइज मिला है, तो उसको मिला है सियोल पीस प्राइज। अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ से मिला है, सियोल जो है वो साउथ कोरिया की राजधानी है, कैपिटल है, तो साउथ कोरिया ने जो है पीएम मोदी को सियोल पीस प्राइज 2018 से नवाजा है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है कोहली ने जो है फास्टेस्ट 10,000 रन बनाए हैं ओडीआई में। अब जो है इंडिया की और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज चल रही थी उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है कप्तान कोहली ने, तो कोहली ने अब तक के 10,000 रन ओडीआई में सबसे फास्टेस्ट किसने बनाए हैं ओडीआई में, विराट कोहली ने जो है सबसे फास्ट 10,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन, जो कार्गो ड्रोन है, जो ड्रोन है उसका जो है एक सक्सेसफुली जो है इन्होंने चाइना ने टेस्ट किया है, तो जिसका नाम क्या, उस ड्रोन का नाम क्या होगा, उसका नाम है एफ एच 98
FH-98 जो है इस ड्रोन का नाम है। तो ये किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसका, ये टेस्ट किया है आपके चाइना ने। उसके बाद है स्पोर्ट्स से है ड्वेन ब्रावो, ब्रावो जो क्रिकेटर हैं ये कहाँ से है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये है वेस्ट इंडीज़ से। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ जाता है कि ड्वेन ब्रावो किस खेल से संबंधित है, ये है क्रिकेट से, और किस देश के हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कृषि कुंभ मेला जो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कृषि कुंभ मेला, कृषि कुंभ जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो लखनऊ में स्टार्ट हुआ है, और इसका शुभारंभ किसने किया है, इसका शुभारंभ किया है पीएम मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद जो है यूथोपिया में पहली बार कोई फीमेल राष्ट्रपति चुनी गई है, यूथोपिया अगर हम बात करते हैं यूथोपिया में पहली बार अगर कोई राष्ट्रपति चुनी गई है वो भी फीमेल जो है, एक फीमेल राष्ट्रपति चुनी गई है यूथोपिया में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपके पास साहले वोर्क जोदी, ओके जोदी। तो ये है यूथोपिया की राष्ट्रपति साहले वोर्क जोदी, ओके तो आपने इसका नाम याद रख लेना है और कंट्री का जो है नाम याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूथोपिया की कैपिटल है अडीज अबाबा जो है यूथोपिया की कैपिटल है, और अगर हम बात करते हैं करेंसी की तो यूथोपियन बिर जो है यहाँ की क्या है, वो करेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडिया विन CAPAM अवार्ड 2018, इंडिया ने CAPA 2018 अवार्ड जो है वो जीत लिया है। तो अगर हम बात करते हैं CAPAM की फुल फॉर्म की तो ये है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम फॉर मैनेजमेंट, तो CAPAM 2018 अवार्ड किसने जीता है, इंडिया ने जो है अब की बार ये अवार्ड जीता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आशीष मुखर्जी ने अब की बार इंसा टीचर अवार्ड 2018 जीता है, इंसा INSA, इंसा का मतलब है इंडिया नेशनल साइंस अकेडमी, साइंस से रिलेटेड जो है ये अवार्ड है, इंडिया नेशनल साइंस अकेडमी जो अवार्ड है अब की बार किसने जीता है, आशीष मुखर्जी ने जो है अब की बार 2018 का अवार्ड जीता है। उसके बाद है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप चल रही थी बजरंग पुनिया के बारे में हमने पढ़ा, इसमें ही पूजा डांडा इन्होंने भी एक मेडल जीता है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, किस में जीता, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में पूजा डांडा और बजरंग पुनिया ने मेडल जीते हैं। उसके बाद श्रीलंका में अभी जो है वो काफ़ी उथापुथल चल रही थी पॉलिटिक्स में, तो श्रीलंका के नए पीएम जो है उसका नाम क्या है, महिंदा राजपक्षे जो श्रीलंका के पीएम बन गए हैं। उसके बाद है पाकिस्तान के वकील हैं अशमा जहांगीर को यूएन ह्यूमन राइट प्राइज मिला है, इसको क्या मिला है, राइट प्राइज ये मिला है अशमा जहांगीर को, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये पाकिस्तान से जो है ये बिलोंग करती है, ये क्या है, लॉयर है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद है MS स्वामीनाथन रिसीव्ड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज, स्वामीनाथन ने
पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज जीता है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसने जीता है? एम एस स्वामीनाथन ने जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज जो है जीता है। उसके बाद है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप वोन बाय सौरव कोठारी ने अब की बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जो है वो जीत ली है। उसके बाद है गुजरात में फर्स्ट मेगा पार्क जो है वो शुरुआत की गई है उसकी। गुजरात की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है, और ये कहाँ पे की गई है? सूरत में की गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिमोना हालेप जो है वो फर्स्ट रेसिपिएंट मतलब पहली विजेता बन गई हैं किसकी? चैरिस इवेंट WTA वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी की जो है वो कौन फर्स्ट रेसिपिएंट कौन बनी है? सिमोना हालेप किसकी बनी है? ये मिली है चैरिस इवर्ट WTA वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी। चैरिस इवर्ट WTA वर्ल्ड नंबर 1 ट्रॉफी इसकी जो है ये पहली हकदार बन गई है। उसके बाद जो है दिल्ली के CM थे जिसका नाम क्या था? मदन लाल खुराना। वो अभी जो है उनकी डेथ हो गई है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन थे? पॉलिटिशियन थे। कहाँ से थे? बिलोंग करते दिल्ली से। कौन थे? इनका ओहदा क्या था? ये CM थे दिल्ली के। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएम मोदी ने अभी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा। पीएम मोदी ने 182 मीटर लॉन्ग स्टैचू की अगर हम बात करते हैं तो किसका लॉन्ग स्टैचू था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो इसको इनॉग्रेट किया है, उसको जो है वो ओपन किया है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है एक ट्रेन जो है काफ़ी न्यूज़ में रही थी, अगर हम इसकी बात करते हैं नाम है इसका ट्रेन 18। ये क्या है? इंजन लेस ट्रेन है और जो है इसका एक सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। और अभी जो है ये किसने डेवलप की है? ये आईसीएफ ने ये डेवलप की है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आईसीएफ का मतलब है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, तो आईसीएफ ने ट्रेन 18 का निर्माण किया है। उसके बाद है FTII से अनुपम खेर ने रिज़ाइन कर दिया है। FTII चेयरमैन का मतलब है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे वो अनुपम खेर थे। ये भी एक एक्टर हैं, इन्होंने अभी जो है इससे रिज़ाइन कर दिया है। इन्होंने किससे रिज़ाइन किया है? FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से किसने रिज़ाइन किया है? अनुपम खेर ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है इसके चेयरमैन से। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके चेयरमैन का जो रिज़ाइन था जो किसने? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसके रिज़ाइन को जो है वो स्वीकार किया है। किसने किया? राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ करंट अफेयर्स। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।